हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल बीके विजन के अमराज में आपका स्वागत है। आज हम भिक विजन DVR की हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे। हार्ड डिस्क इंटेलाइजिंग कैसे करते हैं और हार्ड डिस्क फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो DVR की हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि भिक विजन DVR की हार्ड डिस्क फॉर्मेट कैसे होती है। और इसके अलावा आपको किसी और DVR की हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना या इंटेलाइजिंग करना आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। या और कोई सेटिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है जानना है तो मैं आपको आप नया वीडियो बनाकर बिल्कुल बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए जो भी आपको जानना है DVR के बारे में। तो हम आज हिक विजन DVR की हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये LCD के सामने आप आ जाइए। हम सबसे पहले हिकविजन DVR को मैंने इस पर LCD पर कनेक्ट कर रखा है और हम जानेंगे कि हार्ड डिस्क कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना है और उनको पता नहीं होता है कि हार्ड डिस्क कैसे फॉर्मेट करते हैं, या उनका पुराना कोई डेटा डिलीट करना है DVR से, कुछ ऐसा हो गया है जो उनको रिकॉर्डिंग सेव नहीं रखना है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना रहती है। तो हम देखते हैं हार्ड डिस्क कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो आप सबसे पहले राइट क्लिक करके मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप यहाँ पासवर्ड दे दीजिए और जैसे ही पासवर्ड देते हैं आपका मेन्यू खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, प्लेबैक, एक्सपोर्ट, मैनुअल, HDD, रिकॉर्डिंग, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और ये शटडाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें से हम आपको अपने को ये HSD ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। HSD सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने सिस्टम में दिख जाएगी आपकी हार्ड डिस्क से। यहाँ पे 465.76 GB का मैंने इसमें हार्ड डिस्क लगा रखा है, यानी 500 GB हार्ड डिस्क लगा रखा है। तो इसको अपन फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए सबसे ऊपर HSD इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है जनरल सेटिंग में। तो HSD इंफॉर्मेशन में लेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक मार्क हम कर देते हैं। टिक मार्क करने के बाद हमें देखते हैं कि हार्ड डिस्क सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद सबसे नीचे कोने में आपको दिख रहा होगा इंटेलाइजिंग, दिख रहा है इंटेलाइजिंग सबसे नीचे कोने में, ये यहाँ पे येलो कलर में आ रहा है। तो ये दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कोने में आपको दिख रहा है इंटेलाइजिंग का ऑप्शन, ये येलो कलर में हो गया है। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये पूछता है इंटेलाइजिंग विल बी इशर ऑल डाटा ऑन द HSD कंटिन्यू। ये पूछ रहा है कि आप हार्ड डिस्क का सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं। अगर यस पर हम क्लिक करते हैं, ओके पर हम क्लिक करते हैं तो ये सारा अपना डाटा डिलीट हो जाता है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट होना शुरू हो गई है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट 20% आ गया, 20% अपनी फॉर्मेट हो गई है, 20, 50, 68, 77 ये परसेंटेज चल रहा है फॉर्मेटिंग का। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो रही है और फॉर्मेट होते ही यहाँ पर स्टेटस में आपको नॉर्मल दिख जाएगा। ये अपनी हार्ड डिस्क नॉर्मली फॉर्मेट हो चुकी है DVR की। और हम अब बैक आ जाते हैं, यहाँ से ये बैक आ गए हैं और राइट क्लिक करते हैं, मैनुअल में जाते हैं या प्ले बैक में अब चले जाते हैं। तो प्ले बैक में अपन प्ले बैक चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई अपने को डाटा नहीं मिलता है। नोट रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन सारा, नो रिकॉर्ड फाइल फाउंड, यानी अपनी हार्ड डिस्क सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान और छोटा सा प्रोसेस है हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हार्ड डिस्क रिलेटेड, DVR रिलेटेड और एनीवेयर रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।